जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो बेटा, आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 18 जो है एफएससी पार्ट 2 का, उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 18 को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जी वेलकम बैक। आपको इस वक्त स्क्रीन पे आपके टॉपिक्स लिखे नजर आ रहे हैं। पीएन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमारा पहला टॉपिक होगा आज का। दूसरा है रेक्टिफिकेशन, तीसरा है स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन, जो पीएन जंक्शन की टाइम्स गिवन है बुक में। इसी तरह नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के बाद है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो इनसे रिलेटेड फॉर्मूले आपके जहन में होने चाहिए ताकि आप इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज जो हैं वो आसानी से कर सकें। जो पहला टॉपिक है ब्रीफ रिव्यू ऑफ पीएन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें सबसे पहले है जी पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन इज। देखिए, सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है चार्ली। और जर्मेनियम की अगर बात की जाए तो वो 0.3 वोल्ट होता है। तो पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम ये डेल्टा है। द पोटेंशियल बैरियर इन अ डायोड स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। बेसिकली होल्स फिजिकली तो मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स फिजिकली मूव करते हैं। तो अगर आप मूवमेंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन की तरफ जा रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ये रोक देगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.7 वोल्ट, ये सिलिकॉन की बात हो रही है। व्हेन पीएन जंक्शन इज रिवर्स्ड बाइस्ड द डेप्लीशन रीजन इज वाइडेंड। देखें, अगर हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करते हैं, यानी पी टाइप को बैटरी के हाई पोटेंशियल से और एन टाइप को बैटरी के लो पोटेंशियल से अटैच करते हैं, तो फिर दोनों तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और जो डेप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ में कमी आ जाती है। लेकिन अगर हम रिवर्स बायस इसको अप्लाई करते हैं, तो फिर जो दोनों तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो एक दूसरे से अवे जाते हैं, जिसकी वजह से डेप्लीशन रीजन की विड्थ में इजाफा हो जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर फर्ज करें ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें ये पी टाइप है और ये साइड एन टाइप है। पी टाइप में आप जानते हैं मेजॉरिटी होल्स की होगी, बहुत थोड़े होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो डॉट्स हैं इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहे हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत थोड़े होल्स होंगे मिनॉरिटी में। पी टाइप वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो गए थे, इसका मतलब है पी साइड पे नेगेटिव लेयर बन जाएगी आयंस की और एन साइड पे पॉजिटिव लेयर बन जाएगी आयन की। अगर हम पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देंगे, तो इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। बैटरी का नेगेटिव जो है ये एन टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आगे धकेलेगा, और दूसरी तरफ बैटरी का हाई पोटेंशियल इन पी टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी होल्स को आगे धकेलेगा इफेक्टिवली। तो हम कह सकते हैं कि पी साइड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी एन टाइप के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पी साइड की तरफ आना शुरू कर देंगे, यानी डेप्लीशन रीजन की विड्थ में कमी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं रिवर्स वाइज की बात करूं, जैसे फर्ज करें ये है आपके पास पी टाइप, ये है एन टाइप, पी साइड पे नेगेटिव और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, एन साइड में मेजॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी में होल्स। अब अगर आप इनको इस तरह कनेक्ट करें कि पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें, तो इसे बोलते हैं रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में क्या होगा, एन साइड जो है वो उसका जो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, वो पीछे धकेले जाएंगे बैटरी के हाई पोटेंशियल की वजह से। इसी तरह पी टाइप के भी जो होल्स हैं वो पीछे धकेले जाएंगे, होल्स पीछे धकेले जाएंगे बैटरी के लो पोटेंशियल की वजह से। यानी दोनों तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं डेप्लीशन रीजन की विड्थ में इजाफा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो देखें, डोपिंग से फर्क पड़ता है, वोल्टेज से फर्क पड़ता है, टेम्परेचर से पड़ता है, लेकिन प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ सिलिकॉन एट 300 केल्विन इज 0.7 वोल्ट।
बेटा ये असल में बैरियर पोटेंशियल की बात हो रही है। अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। देखें, कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो दो क्वांटिटीज के दरमियान ड्रॉ की जाती है, वोल्टेज और करंट के दरमियान। और इससे हमें ये पता चलता है कि वोल्टेज की कैसी कैसी वैल्यूज चेंज करने से करंट की वैल्यूज में कैसी कैसी तब्दीली आती है। पीएन जंक्शन कैन नॉट बी यूज एज एम्पलीफायर। इसको हम एम्पलीफायर के तौर पे यूज नहीं कर सकते, लेकिन रेक्टिफायर के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगले टॉपिक्स में हम ये भी देखेंगे द रेशियो ऑफ पोटेंशियल बैरियर ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। हम जानते हैं जर्मेनियम का 0.3 है, सिलिकॉन का 0.7 है। अगर हम रेशियो की बात करें तो डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, तो 3:7 आपका आंसर आ जाएगा, यानी डेल्टा। रिवर्स करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। फॉरवर्ड करंट जो फ्लो करता है, जो फॉरवर्ड बायस में होता है, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है। और रिवर्स करंट जो है, ये रिवर्स बायस वाली कंडीशन में आता है, जो मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है। रिवर्स और लीकेज करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर, बहुत कम होता है। द पीएन जंक्शन ऑन फॉरवर्ड बाइसिंग एक्ट्स एज लो रेजिस्टर, यानी पीएन जंक्शन चूंकि फॉरवर्ड बाइस आपने किया हुआ है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, यानी ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये लो रेजिस्टर के तौर पर बिहेव कर रहा है। इन फॉरवर्ड बाइसिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, क्योंकि ये लो रेजिस्टर के तौर पे बिहेव कर रहा है। रेक्टिफिकेशन में कह रहा है जी, डायोड कैन नॉट बी यूज्ड एज एम्पलीफायर, ये बात पहले भी हो चुकी है। पीएन जंक्शन कैन बी यूज्ड एज रेक्टिफायर। कन्वर्शन ऑफ एसी टू डीसी, इसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। एसी इज कन्वर्टेड इन टू डीसी, कैसी मशीन के अंदर या कैसे डिवाइस के अंदर, रेक्टिफायर। फॉर रेक्टिफिकेशन वी यूज डायोड। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेक्टिफायर इज फुल सेटिंग। मतलब क्या है, देखिए अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो उसमें आधे आधे साइकिल के या आधे आधे टाइम पीरियड के गैप के साथ आधा आधा साइकिल हमें मिलता है, लेकिन ये है फुल सेटिंग, क्योंकि फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, क्योंकि वैल्यू जो है वो पहले बढ़ रही है और बाद में वो वैल्यू कम हो रही है, यानी वैल्यू फिक्स नहीं है। इस डीसी को बोलते हैं फुल सेटिंग डीसी। इसी तरह अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो सारी की सारी पल्सेस जो है वो या पॉजिटिव होके मिलेंगी या सारी नेगेटिव वाली साइड पे मिल जाएंगी, तो इसमें भी फ्लक्चुएशंस हैं, यानी वैल्यू की जो जो करंट या वोल्टेज की मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर रही है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट प्योर डीसी, दिस इज पुलसेटिंग डीसी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं द टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन आर टू, एक है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। थर्ड टॉपिक है जी स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन। इसमें क्या है, इन फोटोवोल्टाइक सेल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटोवोल्टाइक सेल जो है ये बेसिकली सनलाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जाहिर बात है, जितनी ज्यादा सनलाइट पड़ेगी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी सनलाइट की, जो करंट है वो भी उतना ही ज्यादा पैदा होगा। लाइट एमिटिंग, इवन अगर आप इन दोनों के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करें, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट और करंट के दरमियान, तो ये ग्राफ जो है ये इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। टू में कह रहा है जी लाइट एमिटिंग डायोड एमिट्स लाइट ओनली व्हेन फॉरवर्ड बाइस्ड। देखिए एलईडी जो है, इसको जब आप फॉरवर्ड बाइस पे चलाएंगे तो फिर ही लाइट एमिट करेगा, लेकिन आप जानते हैं फोटोडायोड बेसिकली लाइट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और उसे हमेशा हम रिवर्स बाइस पे ऑपरेट करवाते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड आर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये आपकी बुक में लिखा होगा। ट्रांजिस्टर में कह रहे हैं जी ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज मेमोरी डिवाइसेस, ऑसिलेटर, स्विचेस। इसमें ऑल करेक्ट होगा। द एसए यूनिट ऑफ करंट गेन इज नो यूनिट। करंट गेन भी बेसिकली क्या है, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। जब आप आउटपुट करंट और इनपुट करंट की रेशियो लेंगे तो दोनों यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। ट्रांजिस्टर हैज थ्री रीजन्स। देखिए ट्रांजिस्टर में तीन रीजन होते हैं और दो जंक्शंस होते हैं। एक रीजन है एमिटर, दूसरा दरमियान वाला है बेस, और एक दूसरी साइड वाला है कलेक्टर। और जंक्शन कितने होते हैं, दो, एक एमिटर बेस्ड जंक्शन और दूसरा कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। द वैल्यू ऑफ बीटा यानी करंट गेन इज गिवन बाय। अच्छा बेटा, ये जो बीटा है ना, ये कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के केस में यहाँ पे गिवन है आपकी टेक्स्ट बुक में, यानी आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। और कॉमन एमिटर के केस में आउटपुट करंट कलेक्टर पे लिया जाता है
और इनपुट करंट बेस पे लिया जाता है। तो इसलिए आपकी बुक के मुताबिक बीटा का आंसर होगा आई सी डिवाइडेड बाई आई बी। बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज वेरी थिन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ मीटर, ये बुक में लिखा हुआ है। द सेंट्रल रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बेस। द थिकनेस ऑफ बेस, दोबारा वही वाला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर आर मेड फ्रॉम डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। डोप्ड सेमीकंडक्टर से मुराद है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। एमिटर करंट आई ई इज गिवन बाय, बेटा आई ई जो है वो बेसिकली किरचॉफ रूल के मुताबिक हम कह सकते हैं कि बेस और कलेक्टर करंट का जो सम है वो एमिटर करंट होता है। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एम्पलीफायर भी और स्विच के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। बोथ वाली ऑप्शन को आप करेक्ट कर देंगे। द टर्म ट्रांजिस्टर स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ये ट्रांजिस्टर की आप समझ लें कि उसका मीनिंग है, उसका कॉन्सेप्ट है। द गेन ऑफ एम्पलीफायर इज गिवन बाय, बेटा आपने पढ़ा था ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, और इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है वो अल्फा में लिखा हुआ है, माइनस बीटा आर सी डिवाइडेड बाय आर आई ई। अब ये बीटा जो है ये करंट गेन है, आर सी जो है ये कलेक्टर के साथ अटैच्ड रेजिस्टेंस है, और ये जो नीचे छोटा सा आर आई ई आपको नजर आ रहा है ये असल में एमिटर और बेस के दरमियान इनपुट रेजिस्टेंस है जंक्शन की, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये बहुत छोटी होती है, ऊपर आर सी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बीटा जो है ये भी वन से बड़ा होता है, इसलिए फिर इस पूरे फैक्टर से जो आंसर है वो काफी बड़ा आता है। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर को हम करंट गेन के तौर पे या वोल्टेज गेन के तौर पे यूज कर सकते हैं, कब, जब हम इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज करें। तो बेटा ये था आपका आज का लेक्चर, और इसमें मुझे उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो हमेशा की तरह मेरी ऑफर कायम है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे ईमेल के थ्रू, चाहे फेसबुक के थ्रू, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।